ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अगली सुर्खी, ये गुजरात के जूनागढ़ से। यहाँ एक मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी ने 31 जनवरी को एक सार्वजनिक मंच से भाषण दिया। इसका एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिर शुरू हुई बहसें। दावा किया गया कि सलमान अजहरी का भाषण भड़काऊ है और दो समुदायों के बीच खाई बढ़ाने वाला। इन दावों, बहसों, विवादों के बीच गुजरात पुलिस एक्शन में आई। अजहरी पर हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज हुआ। जूनागढ़ पुलिस ने फरवरी 4 को अपने पड़ोसी राज्य मुंबई पहुंचकर सलमान अजहरी को गिरफ्तार भी किया। घाटकोपर थाने ले जाया गया। थाने पहुंचने की सूचना हुई तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गिरफ्तारी का विरोध होने लगा। भीड़ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। स्थिति इतनी अनियंत्रित कि सलमान अजहरी को खुद सामने आना पड़ा। हाथ में माइक लेकर लोगों से घर जाने की अपील करनी पड़ी और कहना पड़ा, जोश में होश न खोएं। जोश में कभी होश न खोना चाहिए। हालात जैसे भी है, मैं आपके सामने हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और ना ही किसी क्राइम पर मुझे लाया गया। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। सलमान अजहरी ने अपने भाषण में ऐसा बोला क्या था जिसके बाद इतना विवाद हुआ? सुनिए स्पीच का वो हिस्सा। हम से उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताज़ा अपडेट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं इंडिया टुडे के पत्रकार दिव्येश सिंह। इन्फ्लेमेटरी स्पीच का मामला था, ऑब्जेक्शनेबल वक्तव्य उन्होंने किया था अपने स्पीच में पिछले हफ्ते बुधवार के दिन जूनागढ़ में एक इवेंट के दौरान। उस मामले में जूनागढ़ पुलिस अब उन्हें जूनागढ़ ले गई है और वहां पर 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड है। वहां पर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी कस्टडी मांगी जाएगी, उन्हें इंटरोगेट किया जाएगा। आपको बता दें कि उसके बाद से जब मुफ्ती सलमान अजहरी को ले जाया गया, उसके बाद धीरे धीरे भीड़ वहां से डिस्पर्स हो गई, भीड़ वहां से चली गई है और अब जो सिचुएशन है, अब काफी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, अभी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। पर आज पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है उन सारे लोगों के खिलाफ जो कि वहां पर कुछ वक्तव्य कर रहे थे, कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें कर रहे थे और ज्यादा मात्रा में भीड़ जमा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है ताकि उन लोगों को ट्रैक किया जा सके जिन लोगों ने इस भीड़ को जमा करने में जिनका रोल सामने आया है और बहुत से ऐसे लोगों पर मामला दर्ज कर उसकी इन्वेस्टिगेशन घाटकोपर पुलिस ने शुरू कर दी है और अन्य ब्रांचेस के मदद से भी, साइबर टीम की मदद से भी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।